हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोगों के साथ अपनी वेट लॉस जर्नी का डे वन आज शेयर करने वाली हूँ। ये आप सबको पता है, मुझे बहुत सीवियर PCOS है और लास्ट एक मंथ से मैं उसके लिए काम कर रही हूँ। आई वॉज डूइंग कार्डियो सिर्फ घर पे, कोई जिम वगैरह नहीं ज्वाइन किया मैंने, और डाइट ले रही थी। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि क्योंकि PCOS में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वेट मैनेज करना, वेट लूज़ करना एक्चुअली। तो देन लास्ट वीक मंडे से मैंने जिम ज्वाइन किया एंड प्रॉपर डाइट मुझे मेरे जिम ट्रेनर ने बताया और मैं उसी डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही हूँ लास्ट एक वीक से। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई वेट लूज़ हुआ, क्योंकि एक वीक में ऑब्वियसली आपका वेट लूज़ नहीं हो सकता, लेकिन मेरी बॉडी थोड़ी हेल्दियर साइड में मुझे फील हो रही है एंड आई थिंक कि मैं इसी डाइट प्लान के साथ कंटिन्यू करूँगी। और मुझे हर दिन का, एक्चुअली हर वीक का अलग डाइट प्लान मिलता है, जिसमें पूरे 7 डेज के अलग अलग प्लान्स होते हैं क्या क्या मुझे खाने हैं, और प्लस जिम जाना होता है। सो मुझे ये मेरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। सो आई थॉट कि मैं ये रूटीन, ये डाइट प्लान आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो अगर आप इस मेस के बारे में सोच रहे हैं तो मैं बता दूँ, लास्ट नाइट हम लोग शूट कर रहे थे रील्स एंड फोटो शूट वगैरह, तो उसी के ये बैकड्रॉप एंड स्टैंड्स वगैरह ऐसे पड़े हुए हैं। अभी मैंने कुछ भी ठीक नहीं किया है क्योंकि आज है संडे मॉर्निंग और आज है जिम में छुट्टी, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज से मैं डे वन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। कल से जो जिम रूटीन होगा वो भी मैं दिखाऊँगी। तो सबसे पहले हमारे रूटीन में आता है, सुबह उठने के बाद जब आप फ्रेश हो जाते हो देन आपको अपना वेट चेक करना होता है। तो अभी हम चलेंगे अपना वेट चेक करने के लिए एंड देन वी विल हैव आवर ब्रेकफास्ट। तो अभी मेरा करेंट वेट जो है 60.2 kg है। सो गाइज, वेट हमने चेक कर लिया है, करेंट वेट 60.2 kg है। ऑब्वियसली मेरी हाइट के हिसाब से मैं अभी थोड़ी ओवरवेट हूँ, बट कोई नहीं, उसी के लिए तो हम काम कर रहे हैं। तो आज मुझे भी बहुत सारी सफाई करनी है, काम करने हैं, हेयर वॉश करना है, बट अभी के लिए फ़िलहाल हमें ब्रेकफास्ट करना है। और चलिए मेरे किचन में मैं दिखाती हूँ कि मैं आज ब्रेकफास्ट में क्या क्या लेने वाली हूँ।
सो गाइस, ब्रेकफास्ट हो चुका है और बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, तो अब मैं ये सब साफ़ करूँगी और हेयर वॉश करूँगी. एंड यस, एक और चीज़ जो अभी मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि जब भी आप ब्रेकफास्ट करें और उसके 30 to 60 minutes बाद, यानी कि आधे घंटे से एक घंटे के बीच में ही पानी पिएं. और जैसे कि तुरंत खा के तुरंत पानी पीना वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है बॉडी के लिए. सो ये चीज़ आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है. सो अभी नाश्ता किया है मैंने 8 बजे और अब मैं अराउंड 10:30 के अराउंड अपना मिड मॉर्निंग स्नैक लूँगी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी. स्टे ट्यून्ड. सो गाइज, आज मिड मील में मैंने लिया है मस्कमेलन. इस टाइम पे आप कोई भी फ्रूट ले सकते हो, एप्पल, पपाया, ऑरेंज, कुछ भी एक फ्रूट आप ले सकते हो. सो गाइज, अब हो गया है लंच टाइम, तो अभी दिन के 12 बज रहे हैं. लंच में मैंने लिया है एक रोटी, दाल, और इसके साथ है लौकी की सब्ज़ी. और रोटी आपको एक ही लेना है, दिन में एक से ज़्यादा नहीं लेना है. इसके साथ लिया है मैंने सैलड, अनियन, बीटरूट और टमाटर, और थोड़ा सा लेमन लिया है. इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है. 100 grams के अराउंड सैलड ज़रूर इंक्लूड करें लंच में. सो गाइज, फाइनली मैंने लंच कर लिया था और बहुत काम था, इसलिए मैं अभी शाम में हेयर वॉश करके आई हूँ. बहुत लेट हो गया बट काम ख़त्म हो चुका है. सो अभी शाम के 5 बज रहे हैं, तो अब मैं अभी अपना इवनिंग स्नैक लेने जा रही हूँ. तो इवनिंग में मुझे इस वीक के लिए ग्रीन टी और नट्स बताया है मुझे और मेरे ट्रेनर ने. सो नट्स में आप मिक्स जैसे कि कैशू नट्स, आलमंड्स, वॉलनट्स और पीनट्स, इन सभी को मिक्स करके यू कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ किशमिश टू गेट अ बेटर टेस्ट. तो ये सब भी चीज़ें आप ऐड करके और साथ में ले सकते हो, बट ज़्यादा नहीं, आपको 25 to 30 grams ही लेने हैं. और ये मेरा भाई आ गया है. इधर हाय करो बाबू. हाय. ऐसे हाय हाथ से करो. हाय दे रहे. चलो. सो लेकिन जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे भी मेंटेन रखनी है. 25 to 30 grams आपको लेने हैं और साथ में एक कप ग्रीन टी. तो मैं फटाफट अपना इवनिंग स्नैक ले लेती हूँ और आप सबको दिखाती हूँ. सो गाइज, अब बच गए हैं शाम के 7 और अब मैं ले रही हूँ अपना डिनर. डिनर में मैं बना रही हूँ ओट्स स्मूदी और ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है. सबसे पहले आपको अराउंड 30 to 40 grams ओट्स लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं, और इसे इस तरह तवा पर आपको गर्म करना है. बहुत ज़्यादा नहीं, बस इसे हल्का सा रोस्ट करना है ताकि इसका जो चिपचिपापन है वो ख़त्म हो जाए. उसके बाद हम लेंगे एक ब्लेंडर और इसमें मैं डाल रही हूँ सबसे पहले कैश्यू नट्स, काजू, 3 से 4 काजू आप ले लें. और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे आलमंड्स. आलमंड्स भी आप अराउंड 3 से 4 ले सकते हैं अच्छे से वॉश करके. अब मैं इसमें डाल रही हूँ दालचीनी पाउडर, 1/4 teaspoon इसमें आप दालचीनी का पाउडर डाल लीजिए, फ्रेश बिल्कुल.
रेडीमेड पाउडर नहीं, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें खुद से ग्राइंड करके आप इसका पाउडर बनाइए। और नेक्स्ट मैंने इसमें ऐड किया है फ्लैक्स सीड के का भी पाउडर है ये, आप डायरेक्ट फ्लैक्स सीड भी डाल सकते हो बट मैं पाउडर प्रेफर करती हूँ। इसके बाद मैं डाल रही हूँ दो डेट्स, इसका मैंने बीज निकाल लिया है। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने ओट्स को रोस्ट किया था उसको इसमें डाल देंगे। अब सभी चीज़ें रेडी हो गई है, अब बस हम इसे करेंगे ब्लेंड। तो पहले हमें इसे इस तरह ड्राई फॉर्म में ग्राइंड कर लेना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, आप अराउंड एक ग्लास पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लें। और यहाँ हमारी स्मूदी बनके हो गई है रेडी। ये बहुत ज़्यादा फिलिंग होती है और बिल्कुल परफेक्ट है, आप इसे या फिर ब्रेकफास्ट या फिर डिनर में ज़रूर ले सकते हो। और ये बहुत टेस्टी भी होती है प्लस हेल्दी भी होती है। तो मैं करती हूँ अपना डिनर इंजॉय। सो गाइज, दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको मेरा डाइट प्लान अच्छा लगा होगा। और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, कुछ कुछ बातें हैं जो मैं फर्दर वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी। आई एम सॉरी अगर आपको आवाज़ें आ रही होगी, ऊपर फ़ैन चल रहा है। तो अब मैं रेडी हूँ, अभी बज गए हैं रात के 10 और अब मैं जा रही हूँ सोने। अब आजकल मैं जल्दी सो रही हूँ क्योंकि सुबह मुझे 4 बजे उठना है, 5:30 तक मुझे जिम जाना होता है। तो नेक्स्ट डे का वीडियो जल्दी ही आएगा विथ समथिंग डिफरेंट इन द डाइट प्लान, और डेफिनेटली और भी बेटर होगा और कुछ ना कुछ आप लोगों को ज़रूर हेल्पफुल लगेगा उस वीडियो में, आई एम श्योर। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो गाइस, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी, लव यू, बाय बाय।